ये है दिल्ली दर्पण। ताज हुकूमत जिसका मजहब, ताज हुकूमत जिसका मजहब, फिर उसका ही मान क्या, जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। नमस्कार, मैं प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश दंगल दिल्ली का। वार्ड 27 में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार जी और साथ ही विधायक जी भी मौजूद है। एमसीडी चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जनसंपर्क किया जा रहा है, पदयात्राएं की जा रही है, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, एमसीडी चुनाव नज़दीक है, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, जो दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ इस इलाके के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, सीवर लाइन डाली जा रही है, पानी की लाइन डाली जा रही है, रोड बनाए जा रहे हैं और PWD का रोड बनाया जा रहा है, कैमरे लगाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, तो जनता बहुत खुश है और चाहती है जिस प्रकार से लगातार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को जिताया, तो इस निगम चुनाव में भी झाड़ू को वोट देगी और झाड़ू को जिताएगी। सर, पिछले साल जिन लोगों ने आपको समर्थन दिया था, काफ़ी विश्वास दिखाया था, इस बार गाँव के लोगों तक अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, पिछली बार 2017 में भी इस परिवार ने विश्वास दिखाया था और उसी विश्वास के साथ पार्टी ने भी विश्वास दिखाया और जो काम पहले 40 साल में कभी कॉलोनियों के अंदर नहीं हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद जिन कॉलोनियों में रोड, पानी, नाली, सीवर कुछ भी नहीं था, उन सब का कार्य का शुरू हुआ है। जिन कॉलोनी में पानी तक नहीं छूटा था, उन 8 कॉलोनी में पानी भी छूटा है। और देखिए, पूरे काम कराने के लिए माननीय विधायक जी भी हैं, माननीय सरकार भी है और सब ने मिल करके पूरा इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने पूरी मदद की है और दोनों मिल करके, चाहे मैं हूँ, आदरणीय विधायक जी हूँ, पूरी दोनों मिलकर के सरकार हमारी है आम आदमी पार्टी की, और जो बचे हुए काम है वो पूरे निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये पूरे रुके हुए काम पूरे होंगे। और जहाँ तक जनसंपर्क का सवाल है, सबने आशीर्वाद दिया है, सबको विश्वास है कि अगर कोई काम पार्टी कर सकती है तो आम आदमी पार्टी काम कर सकती है और ये बहाना नहीं है। यहाँ पर सरकार है, यहाँ पर विधायक है और पार्षद भी आम आदमी का होगा, तो निश्चित तौर पर हम सभी जितने रुके हुए काम उनको पूरा कराएंगे। सर, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, बच्चों, युवाओं और बुज़ुर्गों में क्या लग रहा है, किसका समर्थन सबसे ज़्यादा मिल रहा है? देखिए, चाहे युवा हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे माताएं बहन हों, वो विकास चाहते हैं, वो क्षेत्रवाद की और जातिवाद की राजनीति नहीं चाहते जी। क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो और विकास किसने किया है? विकास आम आदमी पार्टी की सरकार आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो, चाहे शिक्षा को लगा लीजिए, स्वास्थ्य को लगा लीजिए, चाहे रोड, नाली, पानी, सीवर लगा लीजिए। और मैं अपने पूरे सरकार को और आदरणीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने 5 साल का जो कार्यकाल मिला उसमें पूरी सरकार ने और विधायक ने पूरी जन तन मन धन से पूरी मदद की और पूरा सहयोग दिया है और निश्चित तौर पे हम दोनों मिलकर के इस क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे। और जो मेरे से जो भी सहयोग, जिसने भी मैंने सहयोग जिससे मांगा, चाहे विधायक जी हों, चाहे सरकार हों, पूरा सहयोग मेरे परिवार को और मुझे मिला है और निश्चित तौर पर हमें पूरा काम करेंगे। सर, भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी किया, ये गारंटी ले रही है कि अगर एमसीडी में उनकी सरकार आती है तो 2 साल के अंदर जो है वो कूड़े के पहाड़ ख़त्म कर देगी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, 15 साल की भाजपा की सरकार जी, जो 15 साल नहीं कर सके वो 2 साल में कैसे कर देंगे? आप 15 साल सो रहे थे, पूरी दिल्ली को आपने कूड़ा कूड़ा किया, तब आपको कूड़े के पहाड़ नज़र नहीं आए? आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और सरकार ने उठा करके इस अभियान को उठाना कि जिस तरीके से दिल्ली को पूरा कूड़ा कूड़ा किया है, अगर निगम में भी अगर केजरीवाल साहब की सरकार होगी, कूड़े को निजात दिलाई जाएगी। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया इस दिल्ली के अंदर कि पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, तो भाजपा की नींद जग गई, तो उन्हें कूड़े के पहाड़ नज़र आ गए। आज तक उन्होंने 3 जगह, चाहे बाईपास चले जाइए, चाहे गाजीपुर चले जाइए, हर जगह कूड़ा कूड़ा है, गली मोहल्ले में कूड़ा है, कर्मचारियों की कोई नई भर्ती नहीं है, कोई लोडर, कोई JCB की सुविधा नहीं है, कोई कर्मचारियों की व्यवस्था को देख करके कोई सुविधा नहीं है। इस तरीके से निगम अब बौखलाई हुई है और 15 साल लगातार दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार किया है, अब जनता ये जान चुकी है। जनता को विकास की राजनीति चाहिए, जनता को काम की राजनीति चाहिए, और वो विकास और काम अगर कोई करा सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करा सकते हैं। और बहुत सौभाग्यशाली हम सब के हमारी सरकार भी है और हमारे साथ विधायक भी हैं, हम मिल करके दिल्ली को, अपने वार्ड को साफ़ सुथरा भी बनाएंगे। जो रुके हुए काम है, पूरी सरकार के सहयोग के और विधायक जी के सहयोग के साथ पूरे इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये जो कॉलोनी वाले हैं,
गलियां, गैस की लाइन, सीवर सारे गिरे हैं, जो आज तक किसी विधायक ने नहीं करे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी आए थे, जब सीएम नहीं बने थे, राजीनगर के अंदर ट्रॉली में लेकर आया था मैं खुद। मैं बीजेपी का जिला मंत्री हूँ, छोड़िए मैंने, ये जितनी कॉलोनी वाले आए ना इसी क्रम में काम की वोट है। राजनीति छोड़ दी, बीजेपी आम आदमी से मतलब काम की वोट है, काम करो वोट लो। इन्होंने काम करके दिया, काम करेंगे। ये सारे कॉलोनी वाले झंडा रहे, जो बाकी हमारे यहाँ 7 कॉलोनियाँ हैं, राजीनगर इंटेंशन बिहार, बेगम बिहार, धीरेज बिहार, बेगमपुर वालों ने क्या करा, सिर्फ गाँव बेगमपुर में करा है और कुछ नहीं करा। ये लोग ना दिल से रो रहे हैं, ना क्या गलिया, ना सड़कें, ना पानी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक दिन के लिए मेरे को सीबीआई दे दें, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूँ। मैं कहता हूँ उनका काम है, हम एक बार से दिल्ली के अंदर राज कॉलोनी 1738 कॉलोनियाँ हैं, सबकी रजिस्ट्री हो चुकी है केंद्र सरकार के केंद्र के, और 200 करोड़ आ रहा हर कॉलोनी का। हम चाहते हैं सारा विकास हो जाएगा तो एक तरफ की वोट होगी, तो कोई भी पार्टी आओ काम की वोट है। इसलिए सबों ने झंडा उठाया कि सीएम साहब को केजरीवाल में एमसीडी आपके। आपको क्या लग रहा है एमसीडी वार्ड 27 से क्या किस क्या माहौल? केजरीवाल जीतेगी, केजरीवाल जी जीते, बिल्कुल जीतेगा। आपको क्या लग रहा है? मैं आपके चैनल के मात्रा से मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो विकास हुए हैं बेगमपुर वार्ड 27 में, ये जो हमारा धर्मेंद्र भाई पिछले 5 साल नगर पार्षद रहे हैं, तो इन्होंने जो है हमारी, ये वेद प्रकाश जी विधायक थे, उप विधायक, तो इन्होंने जो है इस्तीफा दे के, तो ये जो हमारी जो है कॉलोनी की आवश्यकता, ये फ्रंट की जो है धर्मेंद्र कुमार जी ने करवाए थे कि अभी जो काम जो छूटे बढ़े हुए हैं, ये काम जो हमारी नगर पार्षद धर्मेंद्र कुमार जी, ये जो आवश्यकता ये पूरी करेंगे कॉलोनी की। गड्ढों की बहुत समस्या है यहाँ पर, क्या लग रहा है कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो कितनी करेगी? जी जी बिल्कुल करेगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, पूरी उम्मीद है कि हमारा आम आदमी केजरीवाल भरोसा है यही करेगी, करेंगे। वो इतना अच्छा सुधार भी किया है वहाँ पर, आप स्कूल देख लीजिए, मेरा खुद का बेटा भी पढ़ता है यहाँ से, पहली क्लास से पढ़ता था, आज 12वीं उसने इसी स्कूल से पास करी है। पहले दरी बिछाता था, आज वो डैशबोर्ड वगैरह हर चीज़ की सुविधा मिली हुई है उसको। कहाँ काम हुआ है, कहाँ काम होने की ज़रूरत है, क्या लग रहा है? जी ये जो भगवान की भी थोड़ी लीला थी, जो बारिश आ गई एक साथ में, और दो साल कोरोना रहा, नहीं 5 साल में तो हमारा पूरा टारगेट था हमारे भैया जी का, नेताजी का, कि मतलब काम कराने कराने। इससे पहले 10 साल के पार्षद थे यहाँ पे बीजेपी से, उन्होंने कुछ नहीं करा यहाँ पर, खाली बस स्कूल बनाए, इंद्रप्रस्थ सेकंड ब्रांच, इंद्रप्रस्थ फर्स्ट ब्रांच, इंद्रप्रस्थ फोर्थ ब्रांच, लाइन लगा रखी है इस रोड पे। अगर आप चेकिंग करेंगे तो इंद्रप्रस्थ ही मिलेगा आपको। उन्होंने कुछ नहीं कराया, आपने खाली स्कूल पैसा कमाया, बस स्कूल बनाए हैं, पब्लिक के बारे में नहीं बना कुछ भी, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने कॉलोनी के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कॉलोनी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उन्होंने अपने गाँव में ही स्कूल बनाए, और कॉलोनी में सिर्फ उन्होंने एक शमशान घाट दिया है। क्या कॉलोनियों के लिए एक शमशान घाट ही चाहिए, और कोई सुविधा नहीं चाहिए क्या? पानी सिवा सब कुछ चाहिए ना, ये सारी सुविधा होते हैं तो कम से कम बराबर होने चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, वो कोई सुविधा नहीं मिली हमारे को, ना कुछ भी, एकदम टूटा पड़ा है। अब केजरीवाल जी आ गए हैं तो अब 100% वो काम भी बरातगर भी सुधरेगा। ये उनका काम बोल रहा है या आप लोगों का उनके प्रति विश्वास? नहीं, 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 बिल्कुल काम बोल रहा है, हमारा ना काम भी बोल रहा है जी, काम हुआ है 3 साल में, 2 साल करोनो के काम बहुत हुआ है, इतना कभी किसी ने नहीं करा। हमने खुद हम अनोथराज में रहते हैं, लेकिन आज जो सीवर डलने के बाद ये ऑथराइज हो गई है हमारे ऊपर, ये कलंक भी एक हट चुका है यहाँ से, हम एक तरीके से पक्की कॉलोनी में ले मतलब रह सकते हैं, हमें विश्वास है यहाँ पर। उघाई की समस्या देखी जाती है? मैं 1970 से दिल्ली में रहता हूँ, बहुतों सरकार के देखा हूँ, बीजेपी के देखे, कांग्रेस के देखे, मैं ऑटो वाला हूँ, केजरीवाल के ऑटो वाला ने उठाया है, आज पूरे देश उनको मान रहा है, लेकिन जो सरकार कोई नहीं किया उतना काम केजरीवाल दिल्ली में किया है। मैं ऑटो वाला हूँ, कोरोना में हम भूखा मर रहे थे तो 5,000 रुपया 2 बार ऑटो वालों को खाने को दिया है, कोई सरकार 2 पैसा न दिया है। केजरीवाल को हम जिंदगी भर बधाई देंगे और जिंदगी भर उसको वोट देंगे। केजरीवाल मेरा जिंदाबाद, एमसीडी में केजरीवाल बनेगा। खड्डों की जो बात कर रहे हैं, जब से धर्मेंद्र जी स्टार्ट हुए हैं खड्डों की कहानी शुरू हो गई, पहले ये सब जगह खड्डे ही थे। जब काम चलेगा, मेरा मकान बनेगा तो सोचूंगा चारपाई कहाँ रखूँ, बाथरूम कहाँ बनाऊँ, तो रसोई कहाँ बनाऊँ। जब सीवर बढ़ेगा तो खड्डे होंगे, जब सीवर बन जाएंगे तो
आपको अपने आप ही दिखाई देगा यहाँ, लेकिन रोड पहले बना है। सीवर जो बने हैं तो कई गलियों के अंदर रोड भी आरसीसी हो रही है और हर जगह रोड हमारे बनाए जा रहे हैं, नाली भी बनाई जा रही है। बेगमपुर का भी हो गया, चाहे सीरिंग क्लेव हो गया या कैलाश विहार पंचाली हो गया, आप वहाँ पर भी जाकर देखिए हर जगह रोड नाली सीवर का काम चल रहा है। यहाँ तक कि पानी की सुविधा भी हो गई है पूरी और हर समय पानी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। सुबह के टाइम में पानी आता है और जब से हमारे केजरीवाल जी ने ये सिस्टम किया है ना जी, जब से हमारे केजरीवाल जी दिल्ली सरकार में आए हैं, जब से किसी भी मतलब पब्लिक को फायदा ही फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। टैंकरों पर लड़ाई होती थी, एक टैंक अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ टैंकरों का FIR दर्ज। और बीजेपी जो है रोज स्टिंग वीडियो जारी करती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए मैं बताता हूँ, मैं स्टिंग जो वीडियो जारी करती है ना जी, क्यों सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है, और जेल किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दिल्ली सरकार की तो है नहीं। तो वहाँ पे वहाँ से वो वीडियो लीक करते हैं और वो दिखाते हैं और वो 100% झूठी होती है। जब वो सच मारते हैं तो वो झूठी ही निकलती है, 90% झूठी निकलती है, फिर बाद में वो अफसोस करते हैं। कुछ कह रहे थे, गाना सुना देता हूँ। सुना दीजिए अंकल। ताज हुकूमत जिसका मजहब, ताज हुकूमत जिसका मजहब, फिर उसका ही मान क्या, जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो ये था वार्ड 27 की जनता का माहौल और साथ ही समीकरण। हम अन्य वार्डों की राय भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर